इस चैनल पे खरगोशों के खेलते कूदते एक्टिविटी करते बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन वो रहते कैसे हैं उसका कोई भी वीडियो नहीं है। तो आइए मैं उनका सेटअप दिखाता हूँ। तो इस समय मेरे पास टोटल 4 एडल्ट रैबिट्स हैं, ये देखिए, इसे मैं हटा देता हूँ। तो इन्हें मैं अपने आंगन में रखा हुआ हूँ। तो जहाँ पे मेरे पास ये टोटल 2 केज हैं, एक ये सिंगल केज, तो इसे मैं ऑनलाइन परचेस किया था, ये ऊपर से भी खुल जाता है कुछ इस तरीके से, ये इसमें स्मोकी रहता है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। क्योंकि जब ये केज मैं खरीदा था तो उसमें ये देखिए ये इतने सारे बड़े बड़े इसमें छेद हैं, इसमें छोटे बच्चे नहीं रख सकते। तो इस वाले केज में मैंने स्मोकी और बनी को रखा हुआ था, लेकिन इसमें बनी ने बच्चे दिए हुए हैं तो इसलिए मैं उसका सेटअप अलग कर दिया हूँ, तो उसे भी मैं दिखाऊंगा। तो इस केज की स्पेशलिटी ये है कि इसमें ये नीचे ये ट्रे है, इसमें जो भी ये गंदगी करते हैं इस ट्रे में जाता है, जिसे मैं दिन में एक बार साफ कर देता हूँ। और जो ये ट्रे है ये नाली के पास में है, तो रैबिट क्या होते हैं हमेशा जो ट्रे में ही गंदगी नहीं करते, वो इधर उधर भी करते हैं। तो नाली के पास होने का फ़ायदा ये है कि मैं पानी डाल देता हूँ तो सारे के सारे बह जाते हैं, तो ज़्यादा स्मेल नहीं आती। वहीं ये देखिए ये दूसरा जो ये केज है ये डबल डेकर है, तो मैंने DIY करके 2 केज को मिला करके एक केज बनाया है, और इसमें मेरे 2 रैबिट हैं और ये मेल फीमेल हैं। तो ये देखिए ये परेशान भी कर रहा है इस समय। तो ये जो मेरी काली वाली है ये डेजी है, ये डेजी है, और इसके साथ में ये स्नोबेल है, तो ये दोनों इसमें रहते हैं। वहीं साथ में मैं इनके ये पानी के लिए इसमें ये मसाले का डिब्बा है कट करके मैंने इसमें रखा हुआ हूँ, और ये साथ में ये जो कुत्तों के लिए आता है डॉग के लिए उनके फीडिंग बाउल, तो ये मैंने पेयर में ख़रीदा था, ये बहुत सस्ते मिलते हैं ऑनलाइन, तो ये दोनों में रखे हुए हैं। तो इनका सेटअप कुछ इस तरीके से है। अब मैं इनके बच्चों का सेटअप दिखाता हूँ। तो बच्चों के लिए मैंने एक बड़ी सी टोकरी खरीदी और उसके ऊपर ये गत्ते को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये GI वायर है उसके जरिए फिक्स कर दिया। तो इसमें टोटल हमारे 4 बच्चे हैं, मैं उन्हें भी दिखाता हूँ। ये रहे हमारे 4 बच्चे। वैसे रैबिटों के बच्चों की लगभग 12-13 दिनों तक आंखें नहीं खुलती, तो ये ऑल टाइम सोते रहते हैं, और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे लगभग 20-22 दिन के, तब ये थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा बहुत खाना 20 दिन के जब ये हो जाएंगे तब रख दूंगा। वैसे अभी ये 1 हफ्ते के एग्जैक्ट हुए हैं, आप ये देख रहे हैं, जिसमें से 3 वाइट और 1 ब्लैक एंड वाइट बच्चा है, और ये जो हैं ये स्मोकी और बनी के बच्चे हैं। चूँकि स्मोकी थोड़ा हाइब्रिड किस्म का बनी है, तो इसलिए जो इनके बच्चे भी मिक्स टाइप के पैदा होते हैं। तो जो ये गत्ता है ये मैंने इसमें कट किया है, तो इसके ज़रिए बनी अंदर बाहर कर लेती है। वहीं ये देखिए बनी ने अपने बहुत सारे बाल निकाले हैं, मैं आपको निकाल दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो जब भी उसके बच्चे पैदा होते हैं तो ये इस तरीके से बाल निकालती है ताकि ये कंफर्टेबल रहें। तो ये अभी तो सो रहे हैं, तो जब ये टोटल 22-23 दिन के हो जाएंगे तब मैं इन्हें बाहर निकालना शुरू करूँगा। तो ये बनी है जो इस समय दरवाजे के पास बैठी हुई है, चूँकि अंदर कमरे में AC चल रहा है तो नीचे से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो उसी के लिए ये दरवाजे से सट के बैठी हुई है। वैसे मैक्सिमम टाइम ये कमरे के अंदर ही रहती है, लेकिन जब सोने का समय होता है तो ये बेड पर कूद करके ना चली आए, इसलिए उस समय मैं इसे बाहर कर देता हूँ, वरना ये मैक्सिमम टाइम लगभग 12-13 घंटे कमरे में ही रहती है, और बाकी टाइम जो मैं अभी सेटअप दिखाया इसके बच्चों के ये वहाँ पे रहती है। और ये मेरे सबसे पुराने रैबिटों में से एक है, इसकी एज 3 साल है, और ये बहुत ही समझदार है, घर में ये सबको पहचानती है। और ये जो आप ये केज देख रहे हैं मेरे पास लिमिटेड केज ही है, तो इसलिए मैं इसे फ्री रखता हूँ, चूँकि जो खरगोश होते हैं वो बच्चा देने के सेम डे पे ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसे स्मोकी के साथ में नहीं रखा हूँ, वरना ये स्मोकी के साथ में ही रहती है। चूँकि 2 बच्चों के बीच में गैप रखना ज़रूरी है, वरना इनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो इसीलिए मैं इसे बाहर रखा हूँ। वहीं मैं अपने खरगोशों को इंडोर रखा हुआ हूँ, तो इससे क्या होता है गर्मियों में बाहर की डायरेक्ट लू या फिर हवा इन्हें नहीं लगती। वहीं दोपहर और रात में ये छोटा सा फ़ैन मैं लिया हुआ हूँ, तो इसे चलाता हूँ, तो इससे इन्हें थोड़ी ठंडक मिल जाती है। वहीं जो ये डबल डेकर केस देख रहे हैं इनके साथ ट्रे नहीं आता, ये ऐसे ही ऑफलाइन मिलते हैं, तो इनके लिए ये मैं एक स्टैंड लगाया हूँ, और उसके नीचे ये जो मिठाई
के शॉप में ये ट्रे होती है तो उसे मैं लगाया हूँ, तो सारी गंदगी उसी में जाती है और जिसे मैं डिस्पोज कर देता हूँ। तो उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी गंदगी का मैं क्या करता हूँ और इन्हें कहाँ घुमाता हूँ। वहीं ये जो दूसरा ऑनलाइन जो मैं केज मंगाया हूँ तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस था, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस स्पेस की प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई बिल्ली आती है तो इसमें से पंजा मार सकती है, वहीं छोटे बच्चे इसमें नहीं रह सकते क्योंकि वो बाहर आ जाएंगे खरगोश के। तो मैं ये अलग से जाली खरीद करके इसके ऊपर लगाया हूँ, ये तीन कोने से। तो इससे क्या होता है कि ये बिल्ली से बचे रहते हैं। तो छत पे मेरा ये छोटा सा गार्डन है जहाँ पे मैं अपने दूसरे चैनल प्लांट यूनिवर्स के लिए वीडियो भी शूट करता हूँ। तो यहीं पे मैं खरगोशों को ला करके सुबह या शाम को छोड़ता हूँ। वहीं मैं अपने खरगोशों को जिस ऑर्डर में रखा हूँ उसी ऑर्डर में छोड़ता हूँ, क्योंकि खरगोशों की टेंडेंसी होती है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, खासकर मेल मेल। वो एक साथ अगर मैं उन्हें छोड़ दूँ तो एक दूसरे के बाल निकाल लेते हैं। वहीं अगर मैं फीमेल फीमेल छोड़ता हूँ तो वो भी अपने टेरिटरी को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ती हैं, या तो उन्हें हमेशा साथ में रखें, और अगर मैं उन्हें बहुत दिनों बाद एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हैं। वहीं मेल फीमेल को छोड़ ही नहीं सकते साथ में, क्योंकि खरगोशों को प्रेग्नेंट होने में मुश्किल से 3-4 सेकंड का समय लगता है, तो इसलिए अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए मैं उन्हें कभी साथ में नहीं रखता। वहीं आप ये देख रहे हैं मैं एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ये पानी की टंकी थी ये ख़राब हो गई थी तो दो कोनों पे मैं रख दिया हूँ। तो बारी बारी से यहाँ पे जो उनका जितना भी वेस्ट होता है, यानी कि जो भी वो पॉटी करते हैं, मैं इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से, इस समय सब अव्यवस्थित है। तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे कंपोस्ट बन जाते हैं, तो जो भी मेरे पेड़ हैं ये सारे, तो मुझे बाहर से खाद खरीदने की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इस समय जून का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लगभग 47 डिग्री करीब पहुँच जाता है, तो इसलिए हमारे बहुत सारे पेड़ ये देखिए झुलस गए हैं। वहीं बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो खरगोश ख़राब भी कर देते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है कि ऑल टाइम वो खुदाई करते रहते हैं, तो जैसे ही गमले में कोई भी मिट्टी पाते हैं वो खनना चालू कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं मेरे कई सारे पेड़ हैं जो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो ऑल टाइम डिगिंग करते रहते हैं, तो उससे भी बचाना रहता है। तो हमेशा ध्यान रखता हूँ कि वो जो गमलों की मिट्टी है उसे न खने। ये देखिए ये खन करके सब ये ख़त्म कर देते हैं। तो खरगोश अगर रखे हैं तो प्लांट और खरगोश एक साथ तो नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से मैनेज किया हुआ हूँ। वैसे अगर मुझे रैबिटों से बच्चे नहीं चाहिए होते तो मैं उन्हें न्यूटर जरूर करा लेता, तो इससे मैं सभी रैबिटों को एक साथ रख सकता था, और जो रैबिट जगह जगह मार्किंग करते हैं वो भी नहीं करते, इससे घर में गंदगी नहीं होती। तो आज के वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।